खबर है। अब मध्य प्रदेश की बात छत्तीसगढ़ चलेंगे। ये खबर है कि विवादित बोल पर बवाल हो गया है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। भैयालाल राजवाड़े पर मामला दर्ज कराने की मांग रही है। क्षेत्रीय विधायक अंबिका सिंधु पर भी अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद ये मसला सियासी हो गया है। काफी हंगामा हुआ, कुछ लोग थाने भी पहुंचे थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। जरा सुन लेते हैं क्या है मसला। आज मैं रहता ना तो बताता क्या होता है, आज इनको परेशानी होता क्या, आज विधायक की क्या ड्यूटी है, आज हमारे सरपंच त्रस्त हो रहे हैं, जा करके उसको भुगतान करवाती, बैठ करके उससे सीओ को भुगतान करवा देती, क्या उसका ड्यूटी है क्या, गई है खाली चेहरा दिखाने के लिए है क्या, मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आज सारे सारे लोग पूरे जिले के लोग हमारे त्रस्त है, सरपंच त्रस्त है, रोजगार सहायक त्रस्त है, सारे लोग आंगनबाड़ी वाले जितने क्या क्या है सब सब लोग का पेमेंट ही नहीं हो रहा है, त्रस्त नहीं रहे। आज के आंदोलन के बाद भी अगर नहीं हटते हैं तो फिर आगे क्या होगा? अरे आगे क्या होगा आपको देख लो, अभी तो शुरुआत है, आज कहावत है ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई करेंगे अपन लोग, यही बैठेंगे। चलिए अभी तो अंगड़ाई आगे और लड़ाई, लेकिन मसला जब दूसरी तरफ चले जाए, सियासत की बातों से बात साला साली की तरफ चले जाए तो फिर और विवाद हो जाता है। मेरे साथ कुलेश्वर जोड़ा समझते हैं। कुलेश्वर, ये मसला क्या है पूरा, जिस तरह जो बयान सामने आया था वो मैंने सुना था, क्या उसको लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है और अब क्या दिखाई दे रहा आगे? देखिए कुल मिलाकर 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में नजदीक है, इसी साल ये चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पे भैयालाल राजवाड़े पूर्व मंत्री रहे हैं और काफी अच्छा पकड़ भी उनका क्षेत्र में है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली जो चुनाव हुआ तो उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर अब वो समय आ गया है जब उनको बताना पड़ेगा कि, क्योंकि अभी वो हार गए किसी पद में नहीं है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा क्षेत्र की जनता को कि विपक्ष के नाते हम फिर से सक्रिय यहाँ पर हो रहे हैं, क्षेत्र की जनता का समस्या को हम फिर से उठाएंगे। चूंकि अंबिका सिंह देव जो है वर्तमान में कांग्रेस से विधायक और निश्चित तौर पे काफी टकराव जो है समय समय पर देखने को मिला, और पहली बार नहीं है जब भैयालाल राजवाड़े के मुझे कोई गलत बयान या विवादित टिप्पणी निकले, इसके पहले भी कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं। और निश्चित तौर पर पूरा है जनता की समस्या का, जनता का समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। जनता के बीच में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी, चूंकि महिला विधायक और इस तरह की भाषा का निश्चित तौर पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा निश्चित तौर पर इस प्रकार के बयानबाजी भी हमको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष 14 के साथ है, लेकिन जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, वो फिर से एक्टिव फॉर्म में आ गए, उनको उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमें फिर से मौका दिया जा सकता है, तो वो अपनी मौजूदगी दर्ज कैसे कराया जाए, मीडिया के सामने कैसे बन रहे हैं। कुल मिलाकर मौजूदगी दर्ज कराने के बहुत सारे मसले हो सकते हैं, इस तरह की बातें जो सवाल जिस पर खड़ा हो गया, जिस पर बहस गरम कह सकते हैं, विवादित बयान जिसे कहेंगे। देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि महिला विधायक अंबिका सिंह थे, और निश्चित तौर पर अगर इस तरह के गलत शब्द का उपयोग करेंगे तो मामला तो गरमाएगा। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नाराज थे और नाराजगी जताते हुए थाने गए, थाने का घेराव किया और भैयालाल राजवाड़े के पुतला जलाने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। कहीं ना कहीं जब इस तरह की टिप्पणी होगी तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मुझे लग रहा है मसला और गरमाएगा, क्योंकि आप आज एक बयान देंगे, कल उस तरफ से भी दूसरा बयान सुनाई देगा और फिर बयान पर बयान होते होते विवाद की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, राजनीति में बहुत सारे मुद्दे, यदि आपको चुनाव लड़ना है तो वहां के विकास के मुद्दों पर बात कीजिए, तमाम ऐसी चीजें उन पर बात कीजिए, लेकिन कहते हैं ना जब मुंह से कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलिए, एक जरा सा लफ्ज बहुत कुछ बिगाड़ देता है। सियासत तो गर्माती है लेकिन उससे आगे तक बात पहुंच जाती, तो हमें उम्मीद है कि विवाद दूसरी तरफ ना जाकर यहीं थमेगा और चुनाव में बात विकास की होगी, वो बीजेपी ने किया कांग्रेस ने किया वो समझा जाएगा। दोपहर के दम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर, नमस्कार।